चमार क्या चमार चमार नहीं है, दुसाद दुसाद नहीं है, मतलब भूमिहार राजपूत ही अच्छे हैं, चमार दुसाद अच्छा नहीं है, वो खराब है। क्या उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्या वो शिक्षित नहीं है? सबक सिखा दीजिए इस बार। बिल्कुल सिखाएंगे, शंभू सिंह को जीत करके दिखाएंगे। और हम की बार हाथी छाप जिंदाबाद। मैं खुद पासवान हूँ। हाँ। और चिराग पासवान ने जिन्होंने टिकट दिया है, और तेजस्वी यादव जी। हाँ। मैं उन लोगों का इज्जत करता हूँ, लेकिन हाँ। उन लोगों के पास दिमाग नहीं। मैं खुलम खुल्ला आपसे बोल के मेरा कह रहा हूँ, जी हाँ, कैसे उनके पास दिमाग नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिनको टिकट दिया है वैशाली से, हाँ। एक नापनाथ है और एक सांपनाथ है, दोनों समाज को डसने का काम करते हैं। क्या उनका समर्थन करूँगी जो मेरा ही खाकर के मुझको डसने को तैयार हो जाए? ठीक है, समाज से वो इसलिए तो कह रहे हैं कि हमरे खाकर के हमको ही डसने को तैयार रहते हैं, तो मैं क्यों करूँ समर्थन? पूरा पासवान नहीं है, उनके परिवार के अलावा, उनके जीजा के अलावा, उनके अलावा और कोई पासवान नहीं है। ये नेता जो कि रोजगार पर, जो कि स्वास्थ्य पर, जो कि शिक्षा पर, जो कि संविधान बचाव पर बात कर रहे हैं, जितना जो आगे जो भी नेता गुजरे हैं या फिर जो संसद बने हैं, उन्होंने ना कभी रोजगार पर बात किया है, ना कभी शिक्षा बात किया है, ना कभी स्वास्थ्य पर बात किया है, बात किया तो केवल राम पर बात किया है और मंदिर पर बात किया है। मुझे मंदिर नहीं, मुझे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, और वो शंभू सिंह करने को तैयार है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मुन्ना शुक्ला तो दबंग है, टिकट लिया और उसके बाद सीधे आकर के कह दिया कि मैं भूमिहार हूँ, चमार नहीं। सीधे जाति हो गया, जातिवाद कर रहे हैं वो। इसका मतलब ये है कि बहुजन को देखना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि बहुजन उनके लिए कीड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ और मैं वैशाली का जो है निवासी हूँ। वोटर है आप? जी बिल्कुल। मैं किसे वोट कर रहे हैं? शंभू सिंह को इस बार मैं समर्थन कर रहा हूँ, पूरे दिल और समर्थन, मतलब पूरा मेरा समर्थन उनके साथ है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि एकमात्र ऐसे वैशाली में नेता आ रहे हैं, ये नेता जो कि रोजगार पर, जो कि स्वास्थ्य पर, जो कि शिक्षा पर, जो कि संविधान बचाव पर बात कर रहे हैं, जितना जो आगे जो भी नेता गुजरे हैं या फिर जो संसद बने हैं, उन्होंने ना कभी रोजगार पर बात किया है, ना कभी शिक्षा बात किया है, ना कभी स्वास्थ्य पर बात किया है, बात किया तो केवल राम पर बात किया है और मंदिर पर बात किया है। मुझे मंदिर नहीं, मुझे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, और वो शंभू सिंह करने को तैयार है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनका समर्थन करने को तैयार हूँ। लगता है जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, पूरा बहुजन पूरा 90% उनके साथ है, जो भी चाह रहा होगा स्वास्थ्य शिक्षा और अपना समाज को आगे बढ़ाना, वो शंभू सिंह के साथ खड़ा होगा और बिल्कुल खड़ा होगा। जो जो दो प्रत्याशी है जो मौजूदा सांसद, वो नहीं कर रहे हैं क्या ये काम? अगर उनके बारे में पूछे है, चिराग पासवान की बात करें, मैं खुद एक पासवान हूँ। हाँ। मैं खुद पासवान हूँ। हाँ। और चिराग पासवान ने जिन्होंने टिकट दिया है, और तेजस्वी यादव जी। हाँ। मैं उन लोगों का इज्जत करता हूँ, लेकिन उन लोगों के पास दिमाग नहीं। मैं खुलम खुल्ला आपसे बोल के मेरा कह रहा हूँ, जी हाँ, कैसे उनके पास दिमाग नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिनको टिकट दिया है वैशाली से, एक नापनाथ है और एक सांपनाथ है, दोनों समाज को डसने काम करते हैं। हाँ। और चिराग पासवान जी वो ऐसे समाज के नेता हैं जो अपने समाज का खा करके अपने समाज को डसने का काम करते हैं। हाँ। अपने समाज का खा करके, इसलिए कि उन्होंने इस बार भी टिकट दिया है, जो इस बार टिकट दिया, जिन्होंने उनका पार्टी तोड़ा, उन लोग फिर से अपने पार्टी में लिए। क्या पूरा उनको दिया? कौन घर तोड़ दिया चिराग? अरे उनका भारतीय जनता पार्टी जो की बड़का झूठा पार्टी है, उनके सांसदों ने उनका पार्टी तोड़ा, बीजेपी ने पार्टी तोड़ा, और फिर बीजेपी सांसद बिना देवी है, वो तो उन्हीं का पार्टी से थी। बिल्कुल, तो फॉरवर्ड समाज से ना है। हाँ। फिर से उनको उन्होंने टिकट दिया है। हाँ। ये उनकी गलती है। हाँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनके पास दिमाग नहीं है। दूसरी बात ये कि आखिर जहाँ जहाँ उनको सीट मिला, हाँ। क्या पूरा पासवान नहीं है? हाँ। उनके परिवार के अलावा, उनके जीजा के अलावा, उनके अलावा और कोई पासवान नहीं है? उन्होंने खुद हाजीपुर चुना, ठीक है। हाँ। इस बात से मैं सहमत हूँ। हाँ। क्या और जहाँ जहाँ पर आपका टिकट आपको मिला है, क्या वहाँ पासवान नहीं है? वहाँ के पासवान शिक्षित नहीं है? क्या वो बेवकूफ है? क्या वो अनपढ़ है? आप रिजर्वेशन का समर्थक है? बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा रिजर्वेशन का समर्थन। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिजर्वेशन जो है समाज को एकजुटता लाने का काम करता है, और चिराग पासवान कभी नहीं चाहते हैं रिजर्वेशन का समर्थन करना, वो समाज को एकजुटता करना नहीं चाहते हैं। वो कह रहे थे कि जो संपन्न दलित है वो रिजर्वेशन छोड़ दे। वही तो। हाँ। वो तो उनका तो मंसूबा ही है कि हमारा समाज, उनको अपना से मतलब है, वो अपना परिवार बचाना चाह रहा है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाह रहा है, इसी कारण सबने जीजा को टिकट नहीं दे रहा। हेलीकॉप्टर छापे वोट नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल उनका समर्थन नहीं करे। क्या उनका समर्थन करूँगी जो मेरा ही खाकर के मुझको डसने को तैयार हो जाए? ठीक है, समाज से वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमरे खाकर के हमको ही डसने को तैयार रहते हैं, तो मैं क्यों करूँ समर्थन? आप ही मेरा खाकर के मेरा हमरा काटने का फेरा मरेगा तो हम आपका समर्थन करेंगे? जीते हुए काम नहीं किए, जीत के काम नहीं किए हैं।
उन्होंने हर बार वही किया है। आते हैं, रोना रो लेते हैं, समाज के प्रति रो करके दिखा देते हैं कि हमारा परिवार में ऐसा हो रहा है, हमारे परिवार को तोड़ दिया, हमारे पिता के साथ ये हुआ, और फिर वही काम करते हैं। अब समाज का समर्थन ले तो लेते हैं रोना रो करके दिखा के, झूठी आंसू दिखा करके, और फिर समाज के साथ दगा करने का काम करते हैं। तो हो गया। दूसरा जो प्रत्याशी है शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, वो तो उनके बारे में वो तो दबंग है। उन्होंने टिकट लिया और उसके बाद सीधे आकर के कह दिया कि मैं भूमिहार हूँ, चमार नहीं। सीधे जातिवाद कर रहे हैं वो। इसका मतलब ये है कि बहुजन को देखना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुजन उनके लिए कीड़ा है। आप कहना क्या चाहते हैं? चमार क्या? चमार चमार नहीं है, दुसाद दुसाद नहीं है। मतलब भूमिहार राजपूत ही अच्छे है, चमार दुसाद अच्छा नहीं है, वो खराब है। क्या उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या वो शिक्षित नहीं है? सबक सिखा दीजिएगा इस बार। बिल्कुल सिखाएंगे, शंभू सिंह को जीत करके दिखाएंगे। और हम की बार हाथी छाप जिंदाबाद। तो देखिए युवाओं में भी जोश है शंभू सिंह को लेकर, और ये लोग, इन लोग का मानना है कि जो लोग इस बार सांसद है, मौजूदा सांसद है, और जिनको फिर टिकट मिला महागठबंधन के प्रत्याशी है, वो काम नहीं करेंगे, ये चिंता जता रहे हैं ये लोग। तो शंभू सिंह जो BSP के टिकट से आए हैं, जिनका सिंबल हाथी छाप है, उनको वोट करेंगे। आज उनका नामांकन है, इसलिए इतना लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।